वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के नामवर एक ऐसे आर्टिस्ट की जिन्होंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के अंदर न सिर्फ उसको हमारी जनरेशन से मुतारिफ कराया बल्कि उनका शुमार पाकिस्तान में तजरीदी मुसवरी के हवाले के साथ साथ खत्ताती के बानियों में होता है। हम शाकिर अली साहब की बात कर रहे हैं। उन्हीं के नाम से मनसूब, उन्हीं के आर्ट से मनसूब एक ज़बरदस्त म्यूजियम है जिसे शाकिर अली म्यूजियम कहा जाता है। हिना रियाजी वहाँ पे गई मेरा पाकिस्तान सेगमेंट के अंदर और उनकी इस रहायशगाह को उन्होंने कैसे आप तक पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ सेगमेंट और इन्फॉर्मेशन की सूरत में आप तक पहुँचाना है आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान विद हिना रियाजी शाकिर अली म्यूजियम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, हम मेरा पाकिस्तान में आपके लिए कोई बहुत ज़बरदस्त मॉन्यूमेंट, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कोई म्यूजियम लेकर आते हैं। आज भी हम एक बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत घर के बाहर मौजूद हैं जिसको अब शाकिर अली म्यूजियम का नाम दे दिया गया है। तो आइए चल के करते हैं सैर शाकिर अली म्यूजियम की। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स, इस वक्त हमें इस म्यूजियम की डायरेक्टर फातिमा सलमान साहिबा ने ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं कि इस म्यूजियम की हिस्ट्री क्या है। जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि इतना खूबसूरत म्यूजियम है और नैयर अली दादा साहब ने इसको बनाया, व्हाट इज सो एक्सक्लूसिव अबाउट हिम? उनकी बिल्डिंग्स में उनकी जो कुछ ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स, क्या ऐसा है जो उनको बहुत एक्सक्लूसिव या बहुत इनोवेटिव होता है उनकी बिल्डिंग्स में? नैयर साहब के काम से जो आपको तासुर मिलता है ना, उसमें बड़ी वसत है, यू नो, डिज़ाइन में वसत है। एवरीथिंग इज सो स्पेसी, स्प्रेड आउट। मैं कमिंग टू दिस म्यूजियम, द वर्क इज वेरी नाइस इन टर्म्स के इमारत का जो स्ट्रक्चर है और जो मटेरियल यूज किया है वो कहीं भी यूज नहीं हुआ पूरे लाहौर में। वो हेरिटेज और हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को देखें तो हमें ऐसी ही ब्रिक्स नजर आती हैं। और जब अंदर आते हैं तो ये बड़ा एक मॉडर्न एंड बड़ा एक स्लीक टच इसमें है। Well, Shakir साहब was a modern person, modern artist. Modern art उन्होंने paint किया, उन्होंने सीखा और उनकी ज़िंदगी भी बहुत ही उस तरीके से चल रही थी जहाँ उन्होंने तालीम हासिल की, जर्मनी में गए और different European countries में। तो you can say yes, वो तो आना था। और जिस तरह से नैयर साहब उनके स्टूडेंट थे, नैयर साहब को उन्होंने explain किया कि मुझे अपना घर ऐसे तो घर था और घर में लॉबी, गैलरीज, स्टडी, लाइब्रेरीज, वर्क एरिया एंड बहुत अच्छा उन्होंने उनके लिए प्लान किया। इट्स अ मिक्सचर ऑफ मॉडर्न आर्ट, लाइक यू नो द गोथिक है इसमें टच, बिल्कुल जो आपको चर्चेस में नजर आता है। आर्चेस, इट्स मिक्स्ड विद द सवाती डिजाइन, सवाती जो पैनल्स है इनके, इंट्रिकेट डिटेल्स इस पे अगर देखें तो कितनी खूबसूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें उनका अपना पैशन शामिल था, जो उनकी पसंद थी, जो वो अप्रिशिएट करते थे। म्यूजियम में झलक नजर आती है। उन्होंने अपना फर्नीचर भी खुद डिजाइन करवाया। ये सब अच्छा, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जितना फर्नीचर है ज्यादातर का जो कलर है वो ब्लैक ही है। दरवाजों के साथ एक सीक्वेंस चल रहा है, डाइनिंग टेबल जो है बड़ा गोथिक स्टाइल का है, बड़ा डिफरेंट है, इन 60s एंड 50s मॉडर्न टच भी है। जो एक्सप्रेशन है वो शाकिर साहब की शख्सियत का हिस्सा है। क्या रखा है? उनकी फैमिली का कुरान है जो उनकी फैमिली में पास हुआ है फ्रॉम एक जनरेशन टू अदर जनरेशन। और शाकिर साहब क्योंकि कलेक्टर थे जी, तो उनको ये आगे से कुरान मिला था इन हर फैमिली। एंड दिस इज लाइक रिटन इन 1594। फातिमा, ये क्या है? मुझे कुछ यहाँ पे स्पून्स नजर आ रहे हैं। जी, ये उनकी पर्सनल कलेक्शन थी कटलरी की। अच्छा। एंड इट इज द बुधा सीरीज थी। जी जी जी, देखिए ना उसके ऊपर वो बुधा बना हुआ है। जी बिल्कुल, कलेक्शन उनका एक हॉबी थी। हॉबी डिफरेंट चीजें, डिफरेंट चीजों में नजर आ रहा है। मतलब आप देख सकते हैं फ्रॉम टेक्सला, देयर इज सिल्वर वेयर जो उनके घर की चीजें हैं, जगह जगह से उन्होंने हर जगह ट्रैवल करते थे, कलेक्ट करते थे, कलेक्ट करते थे। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताओ कि इनको फिर प्रिजर्व कैसे किया जाता है? इनको इस तरह से इतनी अच्छी कंडीशन में कैसे रखा हुआ है? एक म्यूजियम का हमारा स्मॉल बजट होता है रिपेयर मेंटेनेंस का। अच्छा। हम इनको पॉलिश करवाते हैं, हम चीजों को ठीक रखते हैं, हम उनके कपड़े ड्राई क्लीन करा के रखते हैं। एवरीथिंग वी आर रिस्पॉन्सिबल, ताकि हमसे आगे जो जनरेशन
वो भी जो कि शाकिर साहब को जानना चाहेगी अनदर 10 टू 15 इयर्स, तो उनके लिए चीजें वैसे ही हम महफूज रखें जितना सही। अच्छा फातिमा, ये बहुत खूबसूरत मुझे कप नजर आ रहा है, मुझे इसके बारे में बताओ, मतलब ये क्या शाकिर अली साहब का कप? हाँ जी बिल्कुल, उनकी कलेक्शन के किचन से लिया गया, प्लेटें ट्रॉली हर चीज खूबसूरत। मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ लेकिन मैंने दूर से इसको देखा तो मुझे लगा कि कुछ एप्लिक वर्क हुआ है, क्योंकि वो इतना खूबसूरत है। एनसीए के प्रिंसिपल भी रहे, बिल्कुल, बिल्कुल, और उनके बहुत सारे स्टूडेंट थे और जिसमें सईद अख्तर साहब भी शामिल हैं और नैयर साहब भी हैं एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो एनसीए के लास्ट प्रिंसिपल थे, उनके साथ तस्वीर, इसमें नैयर साहब भी खड़े हैं। जी 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 जी, तो ये जो पीड़े आप देख रही हैं ना, जी बिल्कुल, ये वही पीड़े और चीजें और जो कप आप देख रही थी, कप देख रही हूं, आई कैन सी इट, आई कैन स्पॉट इट, इट्स हियर, इट्स हियर, बिल्कुल, ये एनसीए की फैकल्टी थी उस जमाने में, जबरदस्त, उनके साथ है, जबरदस्त, व्हाइल ही वाज देयर आल्सो ही वाज मेकिंग अ स्पीच विद, जिसमें सारी एनसीए की फैकल्टी 1966, 1967, 1968 जब वो प्रिंसिपल रहे। अच्छा, ओके। ये आई थी फरादीपा, जी जी, ईरान की जो थी ना प्रेसिडेंट थे, शायरान की मिसेस, तो एनसी में उनका इस्तकबाल किया गया था, एंड ही वाज देयर, वेरी मतलब इन तस्वीरों को देख के लग रहा है वाकई के इट वाज अ वेरी रीगल टाइम, रीगल, वेरी रीगल। और फातिमा, व्हाट एरिया इज दिस, व्हाट प्लेस इज दिस? ये इनका बेडरूम है। अच्छा, ओके। शाकिर साहब की तस्वीरें मुख्तलिफ आर्टिस्टों के जो उस जमाने में बहुत एक्टिव थे पेंटिंग में, जी जी, उनके साथ तस्वीरें, पिक्चर्स में ही लुक्स वेरी स्टाइलिश, मतलब बहुत स्टाइलिश थे वो। हाँ जी, ड्रेसिंग सेंस वेरी यूरोपियन। अच्छा ये क्या है फातिमा, ये मुझे बताएं, इसकी सवाती काम एम्ब्रॉयडरी का, ही वाज कलेक्टिंग दीस बिग वॉल हैंगिंग्स। और फातिमा जो ये है इसको शायद रिली कहते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फातिमा, अब आप हमें इस म्यूजियम के बाकी जो हिस्से हैं, बाकी जो इसका एरिया हमने एक्सप्लोर नहीं किया वो हमें दिखाएं। चैंडलियर इज सो ब्यूटीफुल, वेरी क्लासी, ये उनका ही खरीदा हुआ है? जी, उनका ही लगाया हुआ है। ये क्या है फातिमा? इनके लेटर्स हैं जो उन्होंने एज प्रिंसिपल ऑफ एनसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लिखे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को लिखे, वैक्सीनेशन, बिल्कुल, इवन दैट इज देयर, और उनका पासपोर्ट है, उनका आईडी कार्ड है, उनका सेंसरशिप फिल्म एक्ट का एक पास एक कार्ड है, देन ये इंडिया वाला पासपोर्ट भी है। अच्छा, इंडिया वाला पासपोर्ट, ये हिंदी में लिखा हुआ है। और इस साइड पे आ जाए तो क्या है कि कैप्स हैं? जी, उनके मेडल्स हैं, ये है। उनका तमगा इम्तियाज है, बिल्कुल, ये उनकी कैप्स हैं, बेरीज हैं, ये एक विश्ववादी टोपी है, हमने कोशिश की है कि हम उसको जिस अच्छे हाल में रख सके। अच्छा, ये आर्चीज जो मुझे नजर आ रही है फातिमा, इनके पूरे म्यूजियम में ना अगर हम विंडोज भी देखें, इनके डोर्स भी देखें, तो ये एक आर्चीज आर टेकिंग ओवर द बिल्डिंग, बिकॉज द बिल्डिंग हैज मेड इन अ वेरी सिलेंड्रिक kind of a design, yeah. square and slender. Yeah. So obviously ये जो arches हैं उसको complement करते हैं। फातिमा, अगर इस तरफ आएं तो यहाँ पे मुझे एक watch नजर आ रही है, कुछ ties, कुछ glasses मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। शाकिर साहब की glasses, शाकिर साहब की handwritten diary of addresses, ये शाकिर साहब की medals और watch and the tie he used to wear, ये सब display की गई हैं। फातिमा, अब इस म्यूजियम की आप हमें आर्ट गैलरी भी दिखाएं। जी प्लीज़ आइए। जी, शाकिर साहब का काम जो है यहाँ पे जो डिस्प्ले हुआ हुआ है, ये 50s का भी है, कुछ 60s का भी है, अर्ली 50s का ये है, क्योंकि यू कैन सी द कलर एंड शेड्स वर वेरी डिफरेंट। दिस वॉज मेड इन 1952, इट्स अ स्टिल लाइफ, ऑयल ऑन कैनवस। जी बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि 1952-53 में जो काम किए थे, द कलर टोन्स वर वेरी डल, वेरी मडी, वेरी वेरी यू कैन से हैड अ सीरियस आउटलुक, इवन विदाउट हैविंग नो फैंस, इट्स वेरी एरी, वेरी एरी। फातिमा, ये इतना खूबसूरत एरिया है, यहाँ पे तो सुबह सुबह इंसान उठे, न्यूज़पेपर पढ़े, कोई मैगजीन पढ़े, कोई चाय का कप हो, दिस प्लेस, दिस एरिया इज लाइक so beautiful, wow, I'm awestruck. Actually, Shagir Saab yahan pe rehke ye
ये सारा सिनेरियो जैसे वो चाहते थे एंजॉय कर चुके हैं, यहाँ चाय का कप लेके भी प्रॉब्ली खड़े हो चुके हैं। व्यू इतना खूबसूरत है, अगर आप सुबह सुबह उठें वो सेरेनिटी, वो आप कंटेम्पलेट कर सकते हैं, यू कैन राइट, यू कैन पेंट, यू कैन डू एनीथिंग। और अब फातिमा, आप हमें इस म्यूजियम के किस हिस्से की सैर करा रही हैं? आपको मैं शाकिर साहब की स्टडी पे लेके जाती हूँ। जबरदस्त। यू कैन फाइंड आउट हाउ ही वर्क्ड, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स ही केप्ट। ओके ओके, आइए प्लीज। ओके, सो दिस इज स्टडी एरिया। बिल्कुल। ये फातिमा, ये क्या है? शाकिर साहब के पेंट ब्रशेस, उनके टूल्स, उनकी कलेक्शन थी बुक्स की जो वो पढ़ते थे, रीड करते थे, इंस्पायर होते थे, मोस्टली अबाउट हिस्ट्री, मोस्टली अबाउट आर्ट, मोस्टली अबाउट कल्चर। एंड सिंस ही वाज बोर्न इन इंडिया, तो उनके अंदर एक डाइवर्सिटी थी, रिलीजन, आर्ट, कल्चर, उनके लिए इसकी स्टडी बहुत ज़रूरी थी, ऑफ बिकमिंग हाउ व्हाट ही बिकेम लेटर ऑन एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, एज एन आर्टिस्ट। मतलब हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, म्यूजिक, फूड, आर्किटेक्ट, हर चीज की एक झलक नजर आती है जब हमने उनकी एक स्टडी रूम का जो है, उनकी पर्सनालिटी, उनकी शख्सियत एक कॉम्बिनेशन थी। इंटरेस्टिंग फातिमा, ये तो लग रहा है कोई कैसल है जी, कोई प्रिंसेस यहाँ से अभी आएंगी। Beautiful. It's a great view. बिल्कुल, it's part of the building asset कि there is a and जो cylinder shape है, ये इस building के different corners में support कर रही है। Thank you so much फातिमा, आपके time का बहुत शुक्रिया। Thank you so much for coming. Anytime, anytime, pleasure. नाज़िन, मैं और फातिमा तो जाके पीने लगे हैं गर्मा गर्म कॉफी। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।